I need your name and badge number. Okay. I need your name and badge number. Okay. If we need to go and stop behind that. Can you give your badge number and name first? No. No, it's mandatory. You can't do like that. Yeah. You need to tell the badge number. No, 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 no. Punjabi international students deported from Canada. What is the actual reason? Hi, welcome viewers. Ki hal chala ji. I hope everything is hunky dory. Jaise ki aapne video mein dekha hai aur har jagah ye news phaili hai ki 40 Punjabi students Canada se deport kar diye gaye hain. Ab iske piche kya reason hai aur aise kyun hua hai to is short video mein main aapko bataunga. Lekin yaar please aise na karein. आप स्टूडेंट्स जब ऐसे करेंगे तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. ख़ासकर मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने पंजाबी स्टूडेंट्स को, यार ये ठीक नहीं है. आप इंजॉय करो बट विद इन द लिमिट्स. इट इज़ कैनेडा, नॉट पाकिस्तान एंड इंडिया, जहाँ आप जो मर्ज़ी कुछ करेंगे और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी. यहाँ आप गलती करोगे तो आपको पनिश होगी. बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर स्ट्रेटजी है. सो प्रॉब्लम इज दैट सैटरडे नाइट को सरी में स्ट्रॉबेरी हिल शॉपिंग सेंटर के पास, विच इज़ द सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैंग आउट कर रहे थे. एज यू नो कैनेडा में स्टूडेंट्स कार बहुत आराम से ले सकते हैं और इतना आसान है क्योंकि आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ती वहाँ पर. सो कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी कार्स में हैवी साउंड सिस्टम थे, तो उस एरिया में वो गेड़ियाँ लगा रहे थे. वो काफ़ी हैवी साउंड सिस्टम के साथ काफ़ी नॉइस कर रहे थे एंड दे वर होर्डिंग एंड शोरिंग. ऑल दो वो कमर्शियल एरिया है, बट जब वो चक्कर लगा रहे थे तो आसपास रेजिडेंशियल एरियाज भी थे जहाँ काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी. तो किसी ने ऑब्वियसली कंप्लेन की होगी, तो पुलिस वाला वहाँ पहुँचा. फिर उसके बाद आपने जो भी है वो सब देखा, मगर स्टूडेंट्स काफ़ी इनसेंसिबल हो रहे थे और वो अब्यूसेस कर रहे थे. दैट्स वाई गवर्नमेंट कैनेडा ने सख्त एक्शन लेते हुए उन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया और अप्रॉक्सीमेट 40 स्टूडेंट्स डिपोर्ट हुए हैं. लुक यार, इफ़ यू क्रॉस योर लिमिट्स यू विल फेस दिस इश्यूज. इससे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अफेक्ट पड़ता है, उसके वीज़ास में बहुत इश्यूज आते हैं और इवन बढ़ भी रहा है. इससे ऐसे केसेस बहुत से हो चुके हैं पास में भी. यार बहुत सी प्रोफाइल्स इवन ठीक भी हों तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान. लास्ट टाइम एक दोस्त ने फाइल सबमिट की थी और गेस व्हाट, उसके 95% मार्क्स से 6.5 आईएलटीएस बैंड विद नो लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल, जीआईसी थी, एसडीएस के साथ फुल डॉक्यूमेंट्स, ऑल्सो प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट एज वेल एज बैंक स्टेटमेंट भी इंक्लूड की गई थी. बट इसके साथ भी उसकी फाइल रिजेक्ट कर दी गई. He got rejection. So the reason is अपने students जो limit cross करते हैं, so Canada बहुत restriction impose कर देता है. So guys hang out करो but limits में. अब इस video से काफ़ी students को lesson मिलेगा. So again it is request to all the students in Canada and planning to study in Canada, please follow the rules. अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं. आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें
आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं तो काइंडली अपनी स्टडी की तरफ फोकस करें और अपने एम की तरफ फोकस करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करने पड़ेंगे और आने वाले स्टूडेंट्स को भी। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस मैटर। थैंक यू।